अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं और अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं। आज मैं एक ऐसे इशू के बारे में बात करती हूँ जो तकरीबन हर बंदे का इशू है, और अक्सर लोग ये बताते हैं कि हम हेल्दी डाइट की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है कि हमें क्रेविंग्स होती हैं और फिर क्रेविंग्स की वजह से हमारी डाइट इम्बेलेंस हो जाती है, फिर वो डाइट जो हम हेल्दी डाइट की तरफ आ रहे होते हैं वो साइकिल टूट जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बड़ी कॉमनली लोगों को ये पता होता है कि उन्हें जो क्रेविंग्स हो रही हैं ये उनकी डाइट की तबाही कर रही हैं। क्रेविंग्स होती क्यों हैं, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करूँगी और फिर आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊँगी। क्रेविंग्स की वजह क्या है? नंबर वन वजह, आपकी डाइट में बैलेंस नहीं है, आपकी डाइट से कुछ फूड ग्रुप्स मिसिंग हैं जिसकी वजह से सर्टन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है डाइट में। उस कमी होने की वजह से आपको बार बार कुछ खाने की क्रेविंग होती है क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हुई भी है। मोस्ट कॉमनली मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, इनकी कमी की वजह से आपको बार बार खाने की क्रेविंग होती है। आपने क्या करना है, आपने अपनी डाइट में बैलेंस लेके आना है। मोस्टली ऐसा होता है कि डेली बेसिस पे नट्स डाइट से मिसिंग है, फ्रूट्स मिसिंग है, वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में मिसिंग है। समटाइम्स कुछ लोगों के मीट का इनटेक इतना कम हो जाता है वीकली बेसिस पे, तो उस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं आपको कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग होती है। आप अनहेल्दी खाते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं होती, आप दोबारा अनहेल्दी खाते हैं। नंबर टू, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको डिटेल में इसलिए बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों को ये फील होगा कि ये सच है और हमें कहाँ गलती कर रहे हैं। जब आप प्रोसेस्ड रिफाइंड फ्लावर से बनी हुई चीज़ें, शुगर्स, बेकरी आइटम्स, ये सब जो आप रिफाइंड फूड लेते हैं, इससे क्या होता है, ये एडिक्टिव है। आपने वंस ही खाना शुरू कर दिया, आपसे छोड़ा ही नहीं जा रहा। आप कहते हैं अच्छा चलो आज लास्ट डे है, अच्छा फिर क्रेविंग हो रही है, फिर खाता हूँ, क्या वजह है? इसकी भी दो वजह हैं। नंबर वन वजह ये है कि जो रिफाइंड फ्लावर या हम कह रहे हैं प्रोसेस्ड शुगर्स होती हैं, वो करती क्या हैं कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। एकदम से आपकी एनर्जी राइज होती है, लेकिन फिर कुछ देर में ही वो फॉल कर जाती है, और जब वो फॉल होती है तो आपका दिल करता है कि फटाफट आप एनर्जी बूस्ट करें, और वो कैसे करें, आप दोबारा से वही चीज़ ले लेते हैं क्योंकि आपके ब्रेन को याद है कि आपने इंस्टेंट एनर्जी कैसे ली थी। दूसरा, कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस है, काम का बर्डन है, वर्कलोड है, ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा खाई जा रहे हैं। क्या होता है कि जब आप ये वाले रिफाइंड फ्लावर्स या शुगर्स लेते हैं, आपकी इंसुलिन लेवल्स तेज़ी से बढ़ते हैं। इंसुलिन लेवल्स बढ़ने की वजह से आपके कुछ प्लेयर हार्मोन्स, जिसमें डोपामिन, एंडोर्फिन्स आते हैं, उनका लेवल बढ़ता है, आपको प्लेयर मिलती है, आपको ऐसे लगता है हमें स्ट्रेस रिलीफ मिला है। जब जब आप स्ट्रेस में होते हैं आप ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। इन दो तरह से हम इन फूड्स के एडिक्टिव हो जाते हैं और बार बार यही चीज़ें खा रहे होते हैं। वर्क प्लेस पे फटाफट एनर्जी चाहिए, नाश्ता नहीं किया हुआ, फटाफट जाके दो चार बिस्किट्स खाए कॉफ़ी चाय के साथ, अब इतनी सारी एम्प्टी कैलोरीज ले ली हैं, अब वो जो बर्न नहीं होंगी तो वो फैट बन जाएंगी। तो क्रेविंग्स का साइकिल तोड़ें। क्रेविंग एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको फाइट कर सकते हैं, और बड़े सिंपल से तरीके हैं। डाइट में बैलेंस लेके आएँ, अपने दिन में 3 से 4 या इवन 6 तक जो मील्स लेते हैं उसमें सारे फूड ग्रुप्स को पूरा कर लें। योगर्ट लें, नट्स लें, किसी भी फॉर्म में लें, फ्रूट वेजिटेबल्स लें, मीट का इंटेक करें वीक में 3-4 बार, एग का इंटेक ज़रूर कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स लें, हेल्दी फॉर्म में लें, रिफाइंड ना लें। इससे क्या होगा, एक तो क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। क्रेविंग्स के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की कमी और बहुत सारे मसले कर रही होती है जो ये सोल्यूशन करने से आपके सॉल्व हो जाएंगे। और फिर सेकेंडली, आपने ये साइकिल तोड़ना है। जब आप मील्स की रूटीन बना लेंगे, जब आप इंस्टेंट एनर्जी के सोर्सेज को नहीं देखेंगे, आप होल ग्रेन फाइबर रिच चीज़ें देख लेंगे, वैसे ही 2-3 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी। जब आपको वो वाली भूख नहीं लगेगी कि मुझे जल्दी से कुछ चाहिए, मेरी एनर्जी लो हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो आप वैसे ही मेंटेन रहेंगे। स्मॉल रेगुलर मील्स विद शॉर्ट इंटरवल्स आपका सोल्यूशन है इस चीज़ का, और ये आपने ज़रूर करना है ताकि जो छोटी छोटी क्रेविंग्स की वजह से आपकी कैलरीज का बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है ना, ये बिल्कुल ना, आप स्मूथली एक अच्छी डाइट फॉलो करें, अपने वेट गोल्स अचीव करें, और फैट और इन सब से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उनसे बचे रहें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वो सारे फ्रेंड्स जो इस किस्म के मसले का शिकार हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।